أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی یو ایس اے انٹرنیشنل کا ہفتہ وار پروگرام اسلامی تعلیمات اور روزمرہ زندگی. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بدشگونی. بدشگونی کیا ہے، اس سے متعلق ہم آج کے اس پروگرام میں بیان کریں گے. ہمیں پاکستان کراچی سے جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین، اسلامی اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف علامہ ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب سے صاحب نے. اور آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان سنافاں کم سن سنافاں قاری بازان احمد بانی، وہ بھی ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں. میں دونوں حضرات کو ویلکم کہتا ہوں اور درخواست کروں گا کم سن سنافاں قاری بازان احمد بانی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کمری والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کمری والے نے جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے کمری والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے دات پری دور خواجہ بنا، یا دات پری دور خواجہ بنایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنا، یا منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے. مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، جس کو چاہا در پہ بلا، یا جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے اب تو سلطان بنا، یا منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے گود میں لے کر مائی حلیمہ، پیار نبی سے کہتی تھی، گود میں لے کر مائی حلیمہ، پیار نبی سے کہتی تھی،
मेरा सोया बाग जगाया, मेरा सोया बाग जगाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बना क्या, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। जो मुनकिर हो उनकी अदा का, वो ये बात बताए तो, जो मुनकिर हो उनकी अदा का, वो ये बात बताए तो, रब का पता किसने बताया, रब का पता किसने बताया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने। जब अपना दरबार सजाया, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदा सराई का शर्फ हासिल कर रहे थे कमसन सनाफा कारी बाजान अहमद बानी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस खूबसूरत तरीके से मदा सराई का शर्फ हासिल कर रहे थे। नाजरीन, आप अपने बच्चों को भी ऐसे छोटे छोटे सनाफा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी है और उनका उनके जो वालिदैन हैं वो ज़रिया बने हैं कि अपने बच्चों को इस तरफ लगाते हैं, आपके भी बच्चे जब ये प्रोग्राम देखेंगे इन छोटे छोटे मासूम जैसे आज हमने दावत दी है कि ताकि छोटे बच्चों को देखकर बच्चे भी वो भी दिलचस्पी लें, बजाय डांस और गानों में उस तरफ जाने के उनको भी शऊर पैदा हो, शौक़ पैदा हो, ताकि वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी सीखें और उससे प्यार करें। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, और वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नाजरीन, हमारे साथ आलम इस्लाम की मारूफ रूहानी और मजहबी शख्सियत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद उवैस मासूमी तशरीफ फरमाए, कराची से ज्वाइन किया है, मैं वेलकम कहता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है, बदशगुनी क्या है और ये बदशगुनी किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है, डॉक्टर मासूमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बदशगुनी फारसी का लफ्ज है और ये शगुन से बदशगुनी बन गया, लेकिन शगुन के माने होते हैं कोई अच्छा काम या बुरा काम करने के मुतालिक कोई ख्याल पैदा होना, वहम पैदा होना। और ये शगुन दरअसल लफ्ज तो शगन से निकला है, और शगन जो है ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके माने होते हैं किसी काम के ना करने के हवाले से मुस्तकबिल में कोई अंदाजा लगाना, बाज ऐसे मज़ाहिर को देखकर के या बाज वाकयात को देखकर उसके काम करने या ना करने का फैसला करने को शगुन कहते हैं। और इसके साथ फारसी का एक लफ्ज बद लग गया जिसके माने खराब या बुरा होता है। तो बदशगुनी का मतलब यह है कि कोई काम करने से पहले किसी वजह से या किसी वहम या वसवसे के जेरे असर इंसान कोई अंदेशा अपने जहन में पाल ले कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, या इससे कोई नहूसत फैल जाएगी, या इससे मौत घर में आ जाएगी,
या इससे मुझे कोई और माली नुकसान पहुंच सकता है, तो इंसान उस काम करने से रुक जाए तो उसे बदशगुनी कहा जाता है। लेकिन ये तो फारसी का लफ्ज है, अरबी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अत्तियरातु। और अत्तियरातु ये लफ्ज ऐसा है कि ये नवादरात अरब में दाखिल है ये लफ्ज, और जैसे अलखियरा एक लफ्ज है यानी बेहतरी के हवाले से, तो इसी तरह से अत्तियरा ऐसे वहम और वसवसे को कहते हैं जो इंसान को किसी काम के करने से रोक देता है। आप इसे कह सकते हैं और अनलकी अपने आप को फील करना, ये बदकिस्मत महसूस करना या बुरा महसूस करना, ये इस लफ्ज के माने होते हैं। अरब में दरअसल होता ये था कि वो लोग जब कभी कोई काम करना चाहते थे तो उससे पहले आम तौर पर ऐसा होता था कि वो परिंदों को उड़ाया करते थे, और अगर वो परिंदे उड़कर दाईं तरफ जाते तो वो उस काम को अच्छा समझते थे, नेक शगुन लेते थे और उस काम के करने से खुश होते। लेकिन अगर वो परिंदे जब वो उनको उड़ाते थे तो वो अगर बाईं जानिब चले जाएं उड़कर उनकी बाईं जानिब, तो वो उससे ये शगुन लेते थे कि अब ये काम करना उनके लिए अच्छा नहीं है, इसमें नहुसत होगी या इसमें कोई नुकसान पहुंचेगा। और अगर वो परिंदे दाएं भी नहीं जाते बाएं भी नहीं जाते, ऊपर चले जाते हैं या नीचे रहते हैं, तो वो इस काम के होने में ताखीर इससे मुराद लिया करते थे। तो इस तरह से ये तियारा का लफ्ज जो है वो इंसान के दिल में जो वसवसे आते हैं, जो ख्यालात पैदा होते हैं, वहम पैदा होता है, तो ये इसका नाम अतियारा या इसका नाम जो है वो बदशगुनी है। और ये बदशगुनी और इसके मुकाबले में इसका जिद होता है फाल। तो दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो लफ्ज फाल है ये किसी काम के करने के मुताबिक जो मुस्तकबिल के लिए कोई एस्टिमेट किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है, या उसके लिए कोई अच्छा शगुन या अच्छा ख्याल किया जाता है, उसे फाल कहते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो एक अलग मौजू भी है, लेकिन ये जो बदशगुनी है ये दरअसल उसके मुकाबले में किसी काम से रुक जाने का नाम है। यानी आप किसी वजह से एक काम करना चाह रहे थे लेकिन कोई सबब पैदा हो गया तो आप उस काम के करने से रुक गए, तो उसको जो है वो बदशगुनी कहा जाता है। अब आप इसको सकते हैं कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तशरीह फरमाई है कि ये बदशगुनी दरअसल होता यूं था कि अरब जब जानवरों को परिंदों को उड़ाते थे किसी काम करने से पहले या सफर पर निकलने से पहले कि मेरा ये सफर कामयाब होगा या नहीं, मैं अगर तिजारत के लिए जा रहा हूँ इसमें मुझे नफा होगा या नहीं, मैं अगर कोई और लेन देन करना चाहता हूँ या मामला करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे फायदा होगा या नहीं, तो वो उसके लिए परिंदों को उड़ाया करते। तो अगर वो दाईं जो बदशगुनी का उसका बदशगुनी का वाले से जो आपने इसकी तशरीह की है, यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि नेक शगुन और बदशगुनी, नेक फान और बद फान, जिस तरह आपने इसकी तशरीह की है, तो ये फरमाइए कि इसमें जो कुरान इस बदशगुनी के हवाले से कुरान मजीद में क्या हुक्म है। मैं एक आपके सवाल का जवाब देने से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी की जो तारीफ फरमाई है वो मैं अर्ज कर देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदशगुनी की तारीफ की है वो याद रखने के काबिल है। عن فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ ما امضاک او ردک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بدشگونی ہے یہ وہ وہم یا وسوسہ ہے جو یا تو آپ کو کسی کام کے کرنے سے روک دیتی ہے या फिर किसी काम के करने पर उकसाती है। माँ अम्दा का जो तुम्हें उकसाती है भाई ये काम करो, और रद्द का या फिर तुम्हें रोक देती है कि भाई ये काम ना करो, बस ये जो ख्याल है इसका नाम बदशगुनी है। यहां तक ये पहली बात थी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार आयात में बदशगुनी की नहूसत से लोगों को बचाया है और बताया है
कि ये बदशगुनी दरअसल होती क्या है, ये क्या काम करती है। तो कुरान ने हमें ये कहा ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो जाओ। वजह उसकी ये है कि ये जो बदशगुनी होती है ये दरअसल इंसान को अल्लाह पर जो एतमाद होता है, अल्लाह पर जो इसे भरोसा होता है, इसका जो तवक्कुल की जो आदत होती है, वो जो एक रब्त होता है अपने रब से, एक ताल्लुक होता है, निस्बत होती है, तो वो उसको ये कमजोर कर देती है बदशगुनी। तो जब इसको कमजोर कर देती है तो बंदे का जब ताल्लुक या राबता उसके रब से कमजोर होता है तो दरअसल उसके अंदर सुस्ती पैदा होती है, काहिली पैदा हो जाती है। और ये सुस्ती और काहिली हमने मुआशरे में देखा है, ये इंसान को मायूस कर देती है। असल में तो सुस्ती और काहिली वो उसके अपने शामत आमाल का नतीजा है, लेकिन फिर वो अल्लाह की तरफ इसको मंसूब करके मायूस होने लगता है। तो इतना बड़ा नुकसान बदशगुनी से होता है, तो चूंकि इससे इंसान मायूस होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान ये है ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, क्योंकि उसने ये फरमाया है कि रहमती वसअत कुल्ल शय, मेरी रहमत हर शय पर वसी है, लिहाजा मायूस नहीं होना, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करना है, एतमाद करना है, भरोसा करना है, और नफा और नुकसान के हवाले से बस अल्लाह पर एतमाद करना है। और उसके लिए कुरान करीम ने इरशाद फरमाया मा असाबक मिन मुसीबतिन मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। कुरान ने यह कहा है तुम्हें कोई अच्छाई, कोई भलाई, कोई नफा, कोई तुम्हें जो है मालो दौलत या तुम्हें मनसब, कोई मकाम, कोई जीत अगर तुम्हें मिलती है तो दरअसल ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से है, इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई हार हो जाती है, तुम जो है वो हार जाते हो, नुकसान उठाते हो, या तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है, तो फमिन नफ्सिक, तो ये तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है, गोया कि तुमसे कोई गलती हो गई है, तुमसे कोई खता हो गई है, लिहाजा हर अच्छाई अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए और बुराई को जो है वो अपने नफ्स और अपने शामत आमाल की तरफ इसको निस्बत देनी चाहिए। ये कहकर दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने बदशगुनी से इंसान को मना किया। लेकिन यहाँ एक खास बात अर्ज करूंगा कि जब कुरान ने यह कहा फैदा जाअतुल हसनतु कालू लना हाजी, जब कोई उन लोगों को अच्छाई पहुंचती थी, नफा पहुंचता था, माल में या तिजारत में प्रॉफिट होता था, या उनको किसी जंग में जीत जाते थे या किसी मुकदमे में जीत जाते थे, या उनको कोई खुशी नसीब होती थी या बारिश आने लगती थी, फसल अच्छी हो जाती थी, तो वो ये कहते थे कालू, वो ये कहते थे लना हाजी, भाई ये तो हमारे, हम इसके मुस्तहिक हैं, ये तो हमारे लिए होना चाहिए। यानी वो अपनी सलाहियतों पर, अपने फन पर, अपने हुनर पर, अपने कमाल पर, अपनी तालीम पर और अपने जानने पर या महारत पर उनको बड़ा भरोसा होता था। और अगर कोई नुकसान पहुंचाता था तो वो ये कहते थे कि जो भी उनका नबी होता था तो वो उसकी तरफ मंसूब कर देते थे। मसलन ये जो आयत मैंने पढ़ी, ये मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मतियों के हवाले से कहते थे भाई ये नबूवत आपकी तरफ से है। लेकिन याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुनाफिकीन यही करते थे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत बनकर तशरीफ लाए, उनके पैगाम में रहमत, उनके अमल में रहमत, उनके सोहबत में रहमत, उनका होना बायस रहमत, उनकी वजह से रहमत मिल रही है और क़यामत तक मिलती रहेगी उनके लिए, वहां के मुनाफिकीन और मुशरिकीन हमेशा ये कहते थे कि भाई देखिए ये जो हमें नुकसान हुआ है ना, या कोई दुख या तकलीफ पहुंची है, ये आपकी वजह से पहुंची है। तो और अगर कोई उनको अच्छाई पहुंचती थी तो कहते थे भाई हम इसके मुस्तहिक हैं। तो इस तरह की जब बात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उन्हें बताया कि भाई ये जो नफा या नुकसान है, खुशी या फिर गम है, ये किसी इंसान की वजह से नहीं होता है। कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, कुरान ने ये कहा, आप फरमा दीजिए कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। नफा है अल्लाह की तरफ से होता है, खुशी है अल्लाह की तरफ से होता है, नुकसान है अल्लाह की तरफ से होता है, गम है अल्लाह की तरफ से होता है। कोई दूसरा इंसान ना तो नफा पहुंचा सकता है ना गम पहुंचा सकता है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला से होता है। लिहाजा
किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करनी है, बदशगुनी नहीं करनी है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, बल्कि ये हमारे शामत आमाल की वजह से है। वरना कुरान ने तो ये कहा वकुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताहिरहु फी उनुकी, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया भाई ये जो नहुसत है या बद किस्मती है या बद नसीबी है या अनलकी होना है, तो भाई ये तो कुल्ला इंसानिन अल्ज़मनाहु ताहिरहु फी उनुकी, उसकी गर्दन में अल्लाह ने लटका रखा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बदकिस्मत या खुश नसीब होना यह हर इंसान के मुकद्दर में लिखा हुआ है, उसके अपने पास है। वो चाहे अपने आमाल की इस्लाह करके वो खुश किस्मत बन सकता है, और वो अगर चाहे तो बुरे रास्ते पर चलकर वो बदकिस्मत बन सकता है। तो असल में बदशगुनी का ताल्लुक हमारे आमाल से है, हमारी तखरीबकाराना सोच से है और हमारे गलत मनफी सोच से है, ना ये कि किसी शख्सियत के होने से या उसके पैगाम से या उसके आने से, किसी से कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत खूबसूरत तरीके से बदशगुनी के मुतल्लिक जो कुरान करीम में हुक्म है, डॉक्टर मासूमी आप हज़रात के सामने वज़ाहत फरमा रहे थे, और इससे पता चला कि जो इनाम याफ्ता बंदे हैं वो कोई भी उनको नेकी की तौफीक मिलती है, खैर मिलती है, उसको अल्लाह ताला का करम और उसका फजल समझते हैं, और जो गुमराह हैं और शैतानी सोच के हामिल इंसान हैं वो उसको अपना कमाल समझते हैं, अपनी कारीगरी समझते हैं, अपना इलम समझते हैं। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये काम हो गया, हाँ दिमाग चलाया ना मैं, मेरा दिमाग चला, इस तरह की बातें करते हैं, अल्लाह के फजल को भूल जाते हैं। तो हमें इस एक्सप्लेनेशन से ये दर्स मिलता है कि जो भी खैर हमें मिले हम उसको अल्लाह का फजल समझें, और जो अगर कोई हमें तकलीफ पहुँचती है, बुराई पहुँचती है, तो वो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हमारे अमाल का बदला है। तो मासूमी साहब, इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरमोदात हैं, यानी हदीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या तालीम मिलती है बदशगुनी के हवाले से? इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा था, तो बदशगुनी के हवाले से जो आयात आपकी आपने समाअत फरमाई, उसके बाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर जहां जहां आपने मुनासिब समझा और लोगों के रस्म को, रवाज को, उनके ख्याल को, उनके वाहमे, उनके वसवसे और जहां जहां देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान से, अपने अमल से उनको जायल किया और उनकी इस्लाह फरमाई। उस सिलसिले में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस पाक बनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला अदवा वला हामा वला नवआ वला सफर। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप असल में आपकी एक सिफत है जवामिउल कलिम, यानी आप मुख्तसर सी बात इरशाद फरमाते हैं लेकिन उसमें माना और मफाहीम के समंदर पिन्हा होते हैं। तो इसी तरह का ये एक जुमला जो आपकी खिदमत में मैंने सआदत हासिल की है सुनाने की, पढ़ने की, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार चीजों को का जो वहम और वसवसा उनके दिल में था उसको निकाल दिया। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला अदवा जब इरशाद फरमाया तो ये वहम, ये ख्याल, ये वसवसा अजल से इंसान की फितरत में आ रहा था कि वो ये समझता है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो ये उसकी तीमारदारी के लिए अगर जाएगा तो भाई नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है, तो मैं जाऊँगा तो मुझे भी बीमारी लग जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सलफ से इस्तेमाल फरमाया वला अदवा कि भाई ये मुताअद्दी होना या एक मर्ज का एक से दूसरे तक पहुंचना ये कोई चीज नहीं है, इससे आपने मना कर दिया, उनका वहम और ख्याल दूर कर दिया। और ये इरशाद फरमाया कि भाई लोगों के जो है वो तीमारदारी के लिए जाना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई बीमारी कोई भी मुताअद्दी नहीं होती है, अगर मुताअद्दी होती तो फिर वो पहले जिसको लगी थी वो बीमारी कहाँ से लगी थी,
वो इस हवाले से जो है वो यूं समझे कि अरबों का ये ख्याल था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज भी किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप फरमा रहे हैं कि ये मुतादी नहीं होती बीमारी, तो फिर ऐसा है कि हमारे ऊंट तो हरनियों की तरह तेज तरार और बड़े साफ सुथरे जंगल में होते हैं, लेकिन जब वो उनको हम लाते हैं और आकर के बीमार ऊंट के साथ बांध देते हैं तो वो भी बीमार हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फमिन अअदा अलअव्वल, फरमाया वो जो पहले बीमार था उसको किसने बीमार किया। अगर तुम ये समझते हो इस बीमार की वजह से ये बीमार हुआ है, तो वो पहले को किसने बीमार किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीमाना अंदाज था, तवज्जो दिला दी कि पहले को भी अल्लाह ने बीमार किया, इसको भी अल्लाह ने बीमार किया। तो मुतादी होना कोई बीमारी कोई कोई चीज नहीं है, इल्ला ये कि हदीस में जिन बातों के बारे में बताया गया है वो जरूर है। मिसाल के तौर पर जजाम एक बीमारी है, उस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद जरूर फरमाया तफिरु मिनल मजजूम कमा तफिरु मिनल असद, फरमाया कि मजजूम यानी बीमार से जजाम वाले से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। तो वो भी वहां पर भी दूर रहने का तो है, लेकिन असल में अगर वो जजाम किसी को लग जाता है तो वो हमारी बद एहतियाती की वजह से लग जाता है, यानी हम एहतियात नहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि बीमारी जो है वो मुतादी हो गई और यहां से वहां लग गई, तो ला अदवा कहकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। वला नौआ वला हामा, ये हामा असल में ये उल्लू के हवाले से है। लोग ये समझते थे कि भाई उल्लू जो है ये जहां आ जाता है वहां नहुसत छा जाती, और इत्तेफाक ये कि आजकल भी ऐसा ही लोगों के जहन में है कि उल्लू जो है ये मनहूस जानवर है और जहां ये आ जाता है वहां वीरानी हो जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस वहम और वसवसे को दूर कर दिया, फरमाया वला हामा, अरे ये हामा कोई चीज नहीं है। वरना उनका ख्याल ये था कि ये असल में जो मक्तूल लोग होते हैं जिनके कत्ल की किसास वगैरह नहीं लिया गया होता है, तो ये उनकी रूह होती है जो भटकती रहती है जंगलों में, और उसको यानी मुझे पानी पिलाओ ये कहती रहती है, और इससे जो है वो नहुसत फैलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला हामा कहकर इसको मना कर दिया और फरमाया कि भाई ये हामा कोई चीज नहीं है, लोगों की रूहों का आकर जो है वो उल्लू की शक्ल में आकर के पानी पिलाओ इस तरह से कहना और नहुसत फैलाना ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसके अंदर नहुसत नहीं है, तुम्हारी अपनी मनफी सोच तुम्हारे वसवसे और वाहमू ने तुम्हें जो है वो मनहूस बना रखा है। दूसरा फरमाया वला नौआ, यानी तो कोई ये जो सितारों के हवाले से लोगों का बड़ा एतमाद होता है, आजकल तो इतना हो गया है लोग सितारों की जो तासीर है उसके इतने गर्वीदा हो गए हैं, बच्चा पैदा होता है तो वो ये समझते हैं कि जी आज कौन सा दिन है, आज तारीख कौन सी है, अच्छा फिर जो है वो उस तारीख के हवाले से फिर जब नाम पूछेंगे तो साथ में ये भी कह देते हैं भाई इसका सयारा कौन सा है, सितारा कौन सा है, और ये नहुसत वाला है या खुशकिस्मती वाला है, ये सारी बातें वो पूछ रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान ने भी कहा वकदरनाहु मनासिला, यानी कुरान ने कहा कि ये जो सितारे हैं इनकी हमने मनाजिल मुकर्रर कर रखी हैं, और अलामा इस्माई ने 28 मनाजिल जो है वो लिखी हैं इन सितारों की या सयारों की। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि इनकी मनाजिल तय है, लेकिन ये कि उनकी वजह से कोई नहुसत पैदा होती है या उनकी वजह से कोई बारिश होती है, उनकी वजह से कोई जो है वो कहत साली आ जाती है, तो ऐसा ख्याल रखने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमाया, फरमाया वला नौआ, कोई सयारों की कोई तासीर नहीं है भाई। जब बादल को बरसना होता है तो वो पश्चिम और पूर्व की हवाओं को नहीं देखता, बस वो अल्लाह के हुक्म से बरस जाता है, और जब नहीं बरसना होता है तो हवाएं भी चलती रहती हैं, सब कुछ होता है, बादल भी आ जाते हैं, लेकिन वो बरसता नहीं क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं। तो फरमाया वला नौआ, ये सयारों की कोई तासीर वगैरह नहीं है। इसी तरह फिर आखिरी जो आपने फरमाया वला सफर, सफर के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी जो है वो बदशगुनी पाई जाती है, और हमारे यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि ये सफर का जो महीना है इसमें आफतें और बलाएं उतरती हैं, और उसकी दलील ये दी जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस महीने में बीमार हुए थे, लिहाजा इस महीने में बीमारी उतरती है। भाई ऐसा नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक अजीम इंसान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी हैं, लिहाजा आपको बीमारी का लाहिक हो जाना
या आपका बीमार हो जाना, आपको जादू हो जाना, ये इसमें कोई हैरत की बात और अचंभे की बात नहीं है। लिहाजा इससे कोई बदशगुनी पकड़ना कि नहीं अल्लाह के नबी को क्योंकि बीमारी आ गई लिहाजा इसमें बीमारियां होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वला सफर, भाई सफर जो है वो कोई चीज नहीं है, जैसा कि तुम्हारा वहम है कि इसमें बीमारियां या आफतें उतरती हैं। बल्कि बाद लोगों ने तो इसे बना रखा था कि सफर एक कीड़ा है जो इंसान के पेट में होता है, जब भूख लगती है ये अंदर से काटता है और इस तरह से जो है इंसान के पेट में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हरकत जन्म लेती है, तो ये उसे बुरा समझते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सफर जो है ये सफरुल मुजफ्फर, ये कामयाबी का जरिया है, ना ये कि ये कोई मनहूस चीज है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और एक और दूसरी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला अदवा और वला हामा और वला सफर वला भूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतअद्दी कोई चीज नहीं, यानी बीमारी एक दूसरे से उड़कर नहीं लगती है, और ना ही कोई उल्लू कोई चीज है, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कोई जिन भूत, ये भी कोई चीज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि यतखब्बतु शैतानु मिनल मस, ये कुरान में आया कि शैतान जो है वो मस करता है और उसको बच्चे को जो है वो तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है या इंसान को चिमड़ जाता है, ये होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहम में मुबतला हो जाना और वसवसे पाल लेना कि नहीं जी मेरे साथ कोई जिन्नात आ गए हैं, हो सकता है वो आपकी बदामाली की वजह से हो, वरना जिन्नात का या जो वजूद है वो तो हक है, उनका नुकसान पहुंचाना भी हक है। क्योंकि सैयदना अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हवाले से मौजूद है अहादीस में, उन्होंने वो फरमाते थे मैंने खजूरें रखी अपने ताक में रखता था तो वो गायब हो जाती थी। उनका कहना ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके वो कहते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो वहां खजूरें रखी थी, वो लगता है कि भूत खा गए या जिन खा गए, तो वो नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन वसवसे और वहम में मुबतला होकर खुद को नफ्सियाती मरीज बना लेना, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बदशगुनी से मना फरमाया और फरमाया अत्तियरतु शिर्कुन, फरमाया ये जो बदशगुनी है ये शिर्क है। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मुजम्मत फरमा दी कि शिर्क इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिर्क जो है बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, गोया इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है मगफरत बख्शिश की। तो इसलिए फरमाया कि अत्तियरतु शिर्कुन, बदगुमानी करना दरअसल अल्लाह पर अपने एतमाद को खत्म करना है, और जब अल्लाह पर एतमाद ही नहीं रहा तो ईमान बाकी नहीं रहता और इसमें जो है वो शिर्क हो जाता है। और दूसरी जो हदीस है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमत्तियरतु, ये जो बदशगुनी है, फरमाया मन ततय्यरा औ ततय्यरा लहू, फरमाया जो करता है बदशगुनी ये उसी के लिए नहुसत होती है और या फिर वो किसी से करवाता है। तो ये दोनों काम आज हो रहे हैं, या तो हम खुद शगुन ले रहे होते हैं, बदशगुनी ले रहे होते हैं, बदजन और बदगुमा हो रहे होते हैं, या फिर हम लोगों से कह रहे होते हैं कि भाई आप हमें बताइए इसमें मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि उसके लिए हमारे लिए एक बेहतरीन चीज है जिसे इस्तिखारा कहा जाता है, और इस्तिखारा जो है वो अल्लाह से मशवरा होता है। कोई भी काम करने से पहले बदशगुनी या नेक शगुनी का नेक शगुन लेना ये तो सुन्नत है, जिसे फाल कहते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिया है, लेकिन बदशगुनी का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, ये शिर्क है, ये गुनाह है, इससे बात रहना चाहिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल का मुख्तार प्रोग्राम इस्लामी तालीमात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आज ही जो हमारी इस ट्रांसमिशन का मौजू है बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत मौजू है, जो हमारी सोसाइटी में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये मुख्तलिफ अतराफ से आई है ये बीमारी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लामा डॉक्टर मासूमी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी वजाहत फरमा रहे थे। नाज़रीन कुरान करीम जिसके बारे में हुक्म है और जिसकी शान ये है कि वो तिबयान लिकुल्ली शई है और इसमें हर चीज़ का बयान है, लेकिन साफ जाहिर है जो इलम के जिस दर्जे पर फायज होगा तो कुरान करीम से वो इतना ही फैज हासिल करेगा
जिस तरह कुरान करीम की तशरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उसकी तफसीर, उनके आयात, उनके अहकाम, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने सुने और उसकी उसका बयान सहाबा इकराम ने भी फरमाया। मैं नाज़रीन आपके आपके जानने के लिए अलमा डॉक्टर वैस मासूमी से ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने कुरान करीम के जो काम है और अहदीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इरशादात मिलते हैं उनको जिस तफसील के साथ बयान किया, तो ये फरमाइए कि इस सिलसिले में सहाबा इकराम साहबजादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे और सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से कुरान करीम की तशरीह भी समाप्त करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात भी सुनते थे और उनको आगे भी ट्रांसफर सहाबा इकराम ने किया। तो इस सिलसिले में सहाबा इकराम और ताबीन क्या फरमाते हैं बच्चे के बारे में? इसमें कोई शक नहीं कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मकाम और मर्तबा और उनका वसीला अगर दरमियान में न होता और उनकी फिदाकारियां और उनकी वफादारियां, उनकी महब्बतें, उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक और निस्बत था, ये अगर ना होता तो शायद दीन आज हम तक इस तरह से ना पहुंच पाता। तो सहाबा किराम की शान बहुत बुलंद है और उनका सबसे जो बड़ा वस्फ है वो तो यकीनन सहाबियत में कोई शामिल नहीं हो सकता कि उन्होंने ईमान की नज़र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन उनका जो अमल अल्लाह को पसंद आया वो ये कि वो जो कुछ अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखते थे या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म समाप्त करते थे तो वो फौरन अमल की तरफ लबकते थे। उनके इस अमल ने उनको रहती दुनिया तक अजीम बना दिया, जिंदा कर दिया। सहाबा किराम आज भी जिंदा हैं, आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं, दुनिया उनका नाम ले रही है और लेती रहेगी और उनसे रहनुमाई हासिल करती रहेगी। और यही उनका सबसे बड़ा वस्फ है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया और हम तक पहुंचाया। उसी का असर था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भी हैं। आपकी सोहबत में बहुत सारे लोग बैठे थे, हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो जलीलुल कदर ताबेई हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही ये बात बयान की है कि हम सब लोग अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो जो कि इस्लाम के पहले मुफस्सर कुरान हैं और तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बड़ी मशहूर है और उस हवाले से भी आपका बड़ा मकाम और मर्तबा है, तो आप की सोहबत में जब बैठे हुए थे तो अचानक परिंदे उड़ते हुए चीखते हुए चिल्लाते हुए वहां से गुजरे, तो लोगों ने उनके उन परिंदों का वहां से गुजरना और उन परिंदों का चीखते चिल्लाते हुए जाने से बदशगुनी ली और ये कहा कि ये परिंदे जो हैं ये बड़ी नफूसत फैला रहे हैं। बस कब्बे के बारे में उन्होंने, कब्बा वहां से गुजरा और वो आपस में कब्बे लड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए बैठे हुए लोगों ने, भाई ये तो बहुत बुरा हुआ हमारा यहाँ बैठना, ये नेक शगुन नहीं है, वो या बदशगुनी ली। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने फरमाया मा इंद हादा ला खैर वला शर, आपने फरमाया अरे ये क्या किन चक्रों में पड़ गए हो, इनके इस अमल में बोलने में या यहां से उड़कर जाने में कोई नफूसत नहीं, ना इसमें खैर है ना भलाई है, इसमें कोई खैर और भलाई नहीं है। वो असल में तवज्जो उनकी दिला दी कि भाई ये जानवरों के लड़ने आने जाने बोलने में कोई खैर या नुकसान नहीं होता है, शर नहीं होता है, शर और नुकसान का ताल्लुक अल्लाह तबारक व ताला के हाँ बंदे की मकबूलियत से है, अल्लाह के फजल व करम से है या उसकी नाफरमानी से है। तो इंसान अच्छा बनकर आमाल सालेह अंजाम देके अच्छा हो सकता है और जो है वो अपने आमाल की इसलाह ना करके वो मनहूस बन सकता है। इस सिलसिले में सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया यकीनन आम सामेईन ने और नाजरीन ने यकीनन सुना होगा कि जब खवारिज के खिलाफ आप जंग के लिए निकले तो वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये अर्ज किया कि आप निकल रहे हैं और चांद जो है वो बड़ा अपनी मनाजिल के एतबार से
जो है वो बड़ा चमक रहा है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला नु समझ गए, वो ये समझ गए कि भाई ये लोग इससे नफूसत पकड़ रहे हैं कि मैं जंग के लिए ना निकलूं, या मैं जो है वो जंग के लिए ना निकलूं, और मैं अगर निकलूंगा तो मैं हार जाऊंगा, नुकसान उठाऊंगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहने वालों का ये जवाब दिया, फरमाया कि अच्छा तुम यहां से चांद के चमकने से और इस पर अपनी जिस मंजिल पर वो इस वक्त है उससे तुम नफूसत पकड़ रहे हो, बदशगुनी ख्याल कर रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं लड़ाई के लिए ना निकलूं, लेकिन फरमाया मैं जरूर निकलूंगा ताकि तुम्हारी इस बात का रद्द हो सके, क्योंकि जी हजरत लगता है उनका राबता जो है वो शायद कट गया है, तो जब तक वो ज्वाइन करते हैं तो आप इस सिलसिले को जारी रखें। मैं शामिल हुआ था आपकी इजाज़त से, कुछ चंद सवालात थे, मैं डॉक्टर मासूमी साहब से जानना चाहता था मगर उनका राबता मुनक़ता हो गया। तो मौलाना नसार साहब जब वो वापस आते हैं तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कुछ दो तीन चार सवालात उनकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूँ, ताकि हमारे लोगों को एक आम फहम तरीके से पता चल सके कि बदशगुनी के जो गैर शरी अकायद हैं वो है क्या। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज आ रही है। तो ये मेरी ये गुजारिश थी कि मासूमी साहब से कुछ चंद ऐसे आम फहम सवालात हम पूछते जो हमारे नाज़रीन को पता चल पाते कि भाई बदशगुनी के जो अकायद हैं ये गैर शरी हैं, और अगर ये गैर शरी हैं तो इनमें से कौन कौन सी कामन चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में आम तौर पे लोगों को दरपेश हैं और लोग उसके ऊपर अपना बाकायदा एक अकीदा रखते हैं। तो इस गैर शरई अकीदे को हम शरीयत के ताबिया लाने के लिए ही तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जो अकायद हैं जो खिलाफ शरीयत हैं उसकी हकीकत हम अपने नाज़रीन को बता पाएं, ताकि उन्हें आम फहम ज़बान में पता चल सके। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का हमसे रابطہ जो है वो मुनक़ता हो चुका है। तो आज की जो सैर हासिल गुफ्तगू आप दोनों अहबाब ने फरमाई बिलाशुबा, इसमें बड़ी अहम मालूमात हम तक पहुँची, मगर मौलाना साहब शरीयत से मुराद ये है कि एकामे इलाही के ताबिया रहते हुए उस ज़ाब्ते पे अमल किया जाए जिसमें एकामे इलाही शामिल हैं, यानी शरीयत एक ज़ाब्ता हयात है कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे तालीमात इस्लामी और शरीयत इस्लामी के ताबिया। तो इसी सिलसिले में गुजारिश ये है कि बदशगुनी के जो अकायद हैं, एक तो वो शरीयत इस्लामी उस ज़ाब्ता हयात पे पूरे नहीं उतरते जिसकी तालीमात हमें शरीयत ने दे रखी है। जिस तरह एक कामन सा सवाल है मैं आपसे जान लेता हूँ कि लोग कहते हैं जी कि काला कौवा अगर बोले तो बदशगुनी हो जाती है। इसी तरह लोगों के अकायद हैं कि जी बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर इसी तरह ये बद अकायद में एक अकीदा ये भी है कि आलल सुबह अगर आप किसी को मिलते हैं तो बाद लोग उसको नाउसत और मनुष कहते हैं कि जी आलल सुबह मेरी फला बंदे से मुलाकात हुई थी तो मेरा पूरा दिन जो है वो सही नहीं गुजरा। इसी तरह लोग बाद लोगों का कहना है जो इस तरह के गैर शरी अकायद पे बिलीव रखते हैं उनका ये भी कहना है कि मगरब के वक्त या मगरब के बाद जो है आप घर की सफाई नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं दे सकते। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में आम हैं, और मैं आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश करूँ कि हमारा
चूंकि हिंदू और मुसलमानों का जो मेल जोल रहा है वो 2000 साल पुराना मेल जोल है। अगर आज भी आप देखें तो बाज ऐसी रसूमात, मेजोरिटी रसूमात आपको दिखाई देती हैं मुसलमानों की तकरीबात के अंदर, जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो रवायात की सूरत में विरसे में उनको मिली हैं, जो भी अगर हम देखें हकायक के तनाजर में तो वो खिलाफ शरीयत जिंदगी गुजर रही है। तो मेरी ये गुजारिश थी कि हमें अपने लोगों को ये बताना है, जिस तरह आपको पता है कि बाज लोगों का ये अकीदा है कि जी ओ जी हमें तो नजरे बद लग गई और हमारे ऊपर किसी चीज़ का साया हो गया, किसी ने अगर अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा घर बना लिया तो वो कहते हैं जी कि ओ इसके साथ कोई बांधो जी काला कपड़ा। और बाज जगहों पे तो लोग नाउज बिल्ला जूती भी वहाँ लटका देते हैं, कहते हैं जी कि ये नजरे बद से बचने के लिए हमने ये कुछ किया है। तो ये हमारे माशरे के वो गलत अकायद हैं जो सरहन खिलाफ शरीयत है। तो जब हम अपने अहबाब को ये बता पाएंगे कि जी इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि सारे कुरान को तो हम किसी एक मौजू पे बयान करने से रहें और सारी अहादीस को या उन चीज़ों को तो हम नहीं बयान कर पा सकते 40 या 50 मिनट के प्रोग्राम में। हाँ, सवालन जवाबन हम मुख्तसरन शरीयत के ताबेन के जवाबात ज़रूर लोगों की खिदमत में गुजारिश कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इन मेरे जो सवालात हैं, अगर आप इनका कोई मुझे जवाब दें तो हम अपने नाज़रीन के साथ आज के इस प्रोग्राम की जो असल हुसन है उसको सामने ला सकें। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, बासी साहब, आपने जिन सवालात का जिन जो आपने इसमें सवालात शामिल किए हैं, इसमें कुछ चीज़ें मिक्स हो गई हैं। वो ये है कि एक चीज़ है नज़र और एक चीज़ है असरार और एक चीज़ है बदशगुनी या फाल बदफाली। ये थोड़ी सी इसमें मैं इसकी वजाहत करूंगा। और नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ वाशिंगटन यूएसए से दुनिया सहावत में एक अजीम नाम है खुर्शीद अब्बासी साहब, जिन्होंने ये क्वेश्चन किए हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खला को पुर किया। जैसे ही मासूमी साहब हमसे डिस्कनेक्ट हुए तो फौरन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए स्टूडियो से अब्बासी साहब ने संभाल लिया। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। असल में हम भी देखते हैं, स्पेशली जब गांव में छोटा सा था मैं, उस वक्त से ये देख रहे हैं कब अब हो रहा है। और ये जो बिल्ली के गुजरने का आपने जिक्र किया है, ये तो यहाँ जिस सोसाइटी में आज के इस दौर में हम रहते हैं, इस दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जब वो निकलते हैं सवारी पे होते हैं, उनके सामने से बिल्ली गुजर जाती है, स्पेशली काली बिल्ली, तो वो अपना सफर खत्म कर देते हैं, वापस घर चले जाते हैं। एक मेरे दोस्त हैं या पड़ोस में, एक मतलब ऐसे हुआ कि वो जा रहे थे कार पे, तो वो हमसे थोड़ी देर पहले रुखसत हुए और कुछ देर के बाद वापस आ गए, करीब में रह रहे थे। तो उनसे पूछा क्या हुआ भाई, आप तो अभी ऑफिस के लिए निकले थे वापस आ गए। तो वो कहने लगे जी मैं रास्ते में जा रहा था तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या हुआ, फिर दोबारा घर आऊंगा। घर आए वो और घर से फिर एक नया सफर उन्होंने शुरू किया। तो इन चीजों की वजाहत मासूमी साहब ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में काफी डिटेल से कर दी है। और वक्त को जो चूंकि हमारा कंप्लीट हो रहा है, मैं भी यही अर्ज करूंगा कि बिल्ली का गुजर जाना, कब्बे का बोलना कब हो रहा है, कोई मेहमान आएगा, ये क्या फाल है। तो कबूतरों के परिंदों के हवाले से मासूमी साहब ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कर दिया है। आपके सवाल का एक हिस्सा है नजर। नजर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर हक है। फरमाया कि नजर आदमी को कब्र में पहुंचा देती है और ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। और ये आदमी को, यानी नजर ऐसी एक चीज है, ये हक है, लाइन हक।
जो नजर का लग जाना है नजर बद, ये हक है। आज की मेडिकल साइंस इसको यूं इसको डिफाइन करती है कि जब कोई आदमी ऐसे होते हैं कि उनकी नजर से ऐसे वेव्स निकलते हैं, कुछ लोगों की नजर से यानी पॉजिटिव वेव्स निकलते हैं और जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, वो दूसरे लोगों की लाइफ पर इफेक्ट करती है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके के हवाले से उसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि सदके से बलाएं टलती हैं, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, बीमारों को शिफा याबी मिलती है, और सदका फरमाया एक खजूर देना यह भी सदका है, और अगर किसी के पास ये भी नहीं है फरमाया दूसरे मुसलमान भाई के लिए मुस्करा देना यह भी सदका है। अब यह तो 2000 साल पहले की बात है जिस वक्त मेडिकल साइंस का कोई वजूद नहीं था। आज यानी उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुराना भी सदका है। जाहिर में देखा जाए तो इसमें क्या चीज है मुस्कुराने से जो दूसरे मुसलमान को मिलती है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस इसको डिफाइन करती है कि जब आदमी किसी दूसरे के लिए मुस्कुराता है उसकी मुस्कुराहटों से उसके जिस्म से ऐसे वेव्स निकलते हैं जो दूसरे की लाइफ पर यानी असर करते हैं, तो वो जो अगर पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, उसकी जिंदगी को खुशियां मिलती हैं। इसी तरह अगर किसी की नजर में जेलस होती है और बुरी उसके नजर होती है तो साफ जाहिर है वो नेगेटिव एनर्जी जाती है, दूसरे की बॉडी पर असर करती है। और इसी तरह जो असरात होते हैं जिन्नात वगैरह के वो भी हक हैं, लेकिन अब सोसाइटी में कुछ बाबा लोगों ने ऐसी चीजें मुतारफ करवा दी हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी किसी को अगर कोई आदमी वैसे ही थोड़ा परेशान होता है उसको भी कहते हैं जिन आ गया है, और यहाँ तक कहा जाता है कि 500 साल पुराना जिन आ गया, 1000 साल पुराना जिन आ गया। तो हर आदमी के ऊपर ना जादू होता है ना नजर होती है और ना ही उस पर बद असरात जिन्नात के असरात होते हैं, लेकिन जो सही लोग हैं इसकी तशखीस करने वाले इसका इलाज करने वाले तो वो लोग इसको डिफाइन करते हैं उसकी तशखीस करते हैं। तो जो बिल्ली का रास्ता काटना है इसका हकीकत से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, परिंदे बोलते हैं गवा बोल रहा है, ऐसी चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सारी दौरे जहालत की रसूमात हैं। और कुछ हिंदू बरादरी से मुसलमान चूंकि साथ रह रहे थे और रहने वाले का साथ में असर होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोबत असर करती है चाहे वो एक लम्हे के लिए क्यों ना हो, और दोस्ती असर करती है। सूफिया को यूं कहते हैं कि नेका बंदियां दी यारी एवें जेवें दुकान अतारा सौदा भावे लेइए न लेइए हुल्ले पेन हजारा, और बुरियां लोगां दी यारी एवें जेवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए छिंका पेन हजारा। लिहाजा हमें अपने इस्लाम पर तवज्जो देनी चाहिए, इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहिए, और हमें जो रसूमात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं उनसे बचना चाहिए, अपनी औलाद को भी अपने छोटों को भी उससे बचाना चाहिए। अच्छा हजरत, आपके प्रोग्राम का दौरानिया भी मेरा ख्याल है खत्म हो रहा है, और डॉक्टर मासूमी साहब शायद हमें दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, उनका कोई इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। तो मैं आज के आपके इस प्रोग्राम का जो मासल समझा हूँ वो मुझे ये नज़र आया कि जिस तरह मासूमी साहब ने भी रोशनी डाली इस्लामी तौर तरीके से शरीयत के हवाले से अहदीस के हवाले से, यानी ये सारे जो अकायदे ये गैर शरी अकायदे हैं इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर जो एक मैं सोचता हूँ जब मेरे ख्याल में जब ये चीज़ें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमां के अंदर किसी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि हर चीज़ का एक मकसद है, उसकी वजह है, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने जब ये आलम बनाए तो उसकी भी जो तस्वीर कशी हमारे सामने है कुरान के अंदर अहदीस के अंदर, तो इन सब चीज़ों का तालमेल जब हम जोड़ते हैं शरीयत के साथ, और दरअसल जो तालीम फिक है उसमें भी यही है कि इस्लाम को उसके हकीकी तनाजर में, शरीयत को उसके
हकीकी तनाजर में समझने के नाम ही उलमा जो फुका हैं वो बताते हैं कि वो क्या हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला का रसूल कहता है कि अल-तहारतुल निस्फुल ईमान, तो फिर घर की सफाई ना करना, नाखन ना तराशना, दाढ़ी ना तराशना और इनको किसी दिनों के साथ मंसूब कर देना, ये भी वो अकायद हैं मेरे ख्याल में जो तालीमात इस्लामी के अगेंस्ट लोग सोचते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम पांच वक्त की नमाज बगैर वुजू के पढ़ने का हुक्म ही नहीं है, क्योंकि ईमान का जो स्तून है, जो हमारे उनकी जो बुनियाद है, उनको अगर हम देखें और समझें तो सफाई निस्फ ईमान है। और अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए ये कितना प्यारा तौर तरीका है कि जिस वक्त पानी मुयस्सर नहीं था तो उस वक्त तयम्मुम का कहा गया, मट्टी के साथ पाकी हासिल करके तो नमाज पढ़ी जाती थी। जब गाड़ियां नहीं थी तो औकात-ए-कार मालूम करने के लिए क्या क्या ज़राए और तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। फिर इल्म और साइंस ने तरक्की की तो आज हम जदीद इजादात के ज़रिए हमारे पास आज़ानों की ऐप्स हैं, हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, हमारा कुरान मजीद फुरकान हमीद अब हमारी फिंगर टिप के ऊपर है, उसको हम फ़ोन के ऊपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इतनी आसानियों के बाद भी अगर हम गैर इस्लामी अकायद पे बहसीत मुसलमान अमल करेंगे तो इसमें मेरा ख्याल है पहली खराबी हमारे घरों से शुरू होती है। मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मौलाना साहब आप अवलन अपने घर के जिम्मेदार हैं। अगर हम दोनों अपने घरों की से ही तरबियत शुरू करेंगे, जैसा आपने इरशाद फरमाया, हजूर की हदीस से प्रूव किया कि सोबत का असर होता है, इसी तरह हर अच्छे काम की इब्तदा करने से भी वो अच्छाई फैलती है। अगर मैं अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तालीमात के ताबिया करूंगा तो वो इस सोसाइटी के दूसरे बच्चे मुसलमान बच्चे से जब मिलेंगे तो एक मुस्बत मैसेज जाएगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि दौरे हाजिर के मुसलमान वालदेन को अव्वलन अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना होगा, और वो इदराक ही है कि हम जब बुनियादी इस्लामी अकायद को समझेंगे और उनके ऊपर अमल दरामद शुरू करेंगे तो ये बुराइयां हमसे खुद ही दूर चली जाएंगी, क्योंकि नेकी बदियों को खा जाती है। तो जब ये अमल हम करेंगे तो इस अमल से हमारा एक बाकायदा ऐसा माशरा, इस्लामी माशरा पैदा होगा जिससे गैर इस्लामी अकायद निकल जाएंगे, और फिर वो शरीयत जिसका हुक्म है कि अल्लाह ताला और के अहकामात के ताबिया हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है तो उस पे हम अमल पैरा हो जाएंगे। तो आज की इस बहस से मुझे ये मालूम हुआ आप दोनों स्कॉलर्स से बात करने के बाद कि ये सारे अकायद गैर इस्लामी और गैर शरी हैं और इनसे बाज रहना ही इस्लामी के ताबे आने की अव्वलीन शर्त है। तो हमारे नाजरीन को और हमारे देखने वालों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किन चीज़ों को हमने किस हवाले से देखना और उसको साथ लेके आगे चलना है। तो मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जरा आपने बहुत अहम बात की है और ये चूंकि क्वेश्चन में भी शामिल था, लेकिन जो ये आखिरी टाइम होता है इसके लिए खत्म हो, बहुत सारी चीजें सामने होती हैं तो उनको क्लोज करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपने ये बताया सफाई के हवाले से, ये बहुत सारी चीजें ये हमारी सोसाइटी में, रात को मगर के बाद सफाई नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई ईमान का हिस्सा है या सफाई निस्फ ईमान है, अत्तहूरु मिनल ईमान है या अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और बहुत अच्छी बात आपने फरमाई है। देखिये अगर मगर के बाद सफाई करने का हुक्म ना होता, मना होता, अच्छा शरीयत में जो चीजें मना होती है ये उसूल है शरीयत का,
जो मुमायनत होती है उसकी लिमिट होती है और जो जवाब होता है वो अनलिमिटेड होती है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सफाई करने से, झाड़ू वगैरह देने से मना फरमाते तो हदीस में हमें ये हुक्म ना मिलता कि आप सोने से पहले अपने उस जगह को साफ किया करो, चादर को झाड़ा करो, उसको सफाई किया करो, तो फिर वहां हम सुबह का इंतजार करते उसी कचरे में सो जाते, घर में सो जाते। तो ये जो हुक्म है कि सोने वाली जगह को झाड़ कर साफ करके सोया करो, तो पता ये चलता है कि हमें मगर के बाद हो, फजर हो, दिन हो, रात हो, सफाई जो ईमान का हिस्सा है, हमें हर हाल में सफाई करनी चाहिए। वरना अगर ये मना होती है तो हमारे कपड़े नापाक हो जाते, हम ताजुद की नमाज, इशा की नमाज, मगर की नमाज कैसे पढ़ते उस वक्त जब एक ही जोड़ा हो किसी के पास, तो वो जो पहना हुआ वो खराब हो जाए या वो नापाक हो जाए, तो फिर तो धोना भी जब मना हो जाए फिर हम धो भी नहीं सके। मना जो करने का है, फरमाया कि जब सूरज तुलू रहा हो सजदा नहीं करना चाहिए, निस्फ नहार के वक्त सजदा नहीं करना चाहिए, गुरूब हो रहा हो नहीं करना चाहिए, तो इसके अलावा सजदा करना, नमाज पढ़ना सब जायज है। उसके लिए वुजू जो है वो पहली जो शर्त है नमाज के लिए वुजू है। लिहाजा इस तरह की कोई चीज इस्लाम में हमें नहीं मिलती कि मगरिब के बाद झाड़ू नहीं देना चाहिए, सफाई करके नहीं करनी चाहिए, बल्कि करनी चाहिए, उसमें बरकतें आती है। जितनी ज्यादा चीज साफ सुथरी होगी उसमें बरकतें आएगी, रौनक आएगी। और ये जो रवाजा रस्म है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नॉलेज जी। अब आप क्लोज कर सकते हैं अपने क्लोजिंग का, अपना प्रोग्राम की क्लोजिंग आप करें, तो फिर इंशाल्लाह अगली निशिस्त में आपसे कुछ जानेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आप खुद भी सीखिए और इसको जब ये वीडियो आप तक पहुंचे इसको शेयर कीजिए और उसका कमेंट्स भी दीजिए। आपके जो वैलिड क्वेश्चन होंगे, जो माशरे की जरूरत होगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको हम शामिल करेंगे। अपना और अपनी सोसाइटी का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।